So student, in our previous class we have studied the extraction of the reactive metal, right? और reactive metal में से हमने पूरा के पूरा extraction aluminium का हमने जो हमारा last class था, right? हमने कल के class में aluminium का extraction study किया है, बराबर है? तो generally aluminium are the what? It is the highly reactive metals, or we can say that this is the reactive metals. पूरी प्रोसेस हमने स्टडी की है, कैसे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओके okay, उसके बारे में डिटेल्स हमने स्टडी किया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. आज के क्लास में हमें मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन स्टडी करना है कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो है, राइट, उनका एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, वो कौन से ओवर में फाउंड होते हैं, आफ्टर दैट हाउ देयर एक्सट्रैक्शन हैज़ बीन takes place. That we have to learn in our today's period. So first of all, if you see the reactivity series, आप reactivity series से देखते हो तो ये जो moderately reactive metals हैं कहाँ पर place होते हैं. हमने जब reactivity series details में study की है तो at that time, whenever we are going to learn the reactivity series, we discuss the generally in reactivity series metals are bifurcated in three groups. That highly reactive metals, then moderately reactive metals, and then least reactive or less reactive metals. तो आज हमें moderately reactive metals के बारे में study करना है. तो basically जो moderately reactive metals है वो कहाँ found होते हैं reactivity series में. Where they are found in reactivity series? They are found in the middle of the what? Middle reactivity series के middle में वो found होते हैं. जैसे कि आप ये reactivity series यहाँ पे आपको दी है, तो ये जिंक, आयरन, टिन, लीड, दीज आर द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, ये जो चार जो मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द राइट, ये दीज आर द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. ओके, तो इनका एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है ये हमें आज की क्लास में स्टडी करना है. सो लेट्स फर्दर प्रोसीड हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मेटल्स. जनरली दीज मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन द सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर. वो कौन से ओर में, ओर के फॉर्मेट में मिलते हैं, या तो सल्फाइड या कार्बोनेट ओर के फॉर्मेट में जनरली मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स फाउंड होते हैं और अकर्स होते हैं इन द नेचर. नेचर में मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स वो सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर के फॉर्म में क्या होते हैं, फाउंड होते हैं. बट जनरली सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर में से उन मेटल का एक्सट्रैक्शन करना, इट इज़ क्वाइट टफ. तो सबसे पहले रादर दैन द देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ऑक्साइड, मतलब सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर जो भी है, मतलब कार्बोनेट सॉल्ट या उनका जो सल्फाइड सॉल्ट है उसमें से इस मेटल को ऑब्टेन करना, इट इज़ क्वाइट टफ एज कम्पेयर टू द दे ऑब्टेन फ्रॉम द मॉडर्न वॉट मेटल ऑक्साइड और द ऑक्साइड. मतलब ऑक्साइड से उन मेटल को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, वॉट ऑब्टेन कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द सल्फाइड और वॉट कार्बोनेट ओर, राइट. इसलिए ये जो इस ओर का कन्वर्शन, मतलब जो ओर्स है सल्फाइड और कार्बोनेट का, इनका फर्स्ट स्टेप में कन्वर्शन हमें किस में करना पड़ता है, ऑक्साइड्स में. ओके, देन वी गेट द दैट पर्टिकुलर मेटल्स. सबसे पहले सल्फाइड फॉर्मेट में या कार्बोनेट फॉर्मेट का कन्वर्शन किस में करना है, मेटल ऑक्साइड में, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में से हम इजीली उस मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये जो उनका कन्वर्शन मेटल ऑक्साइड में करने के लिए दो प्रोसेसेस एडॉप्ट की गई है, एक रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, राइट. लुक एट दिस, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्शन कर, मतलब उसका रिडक्शन करके हम उनको मेटल ऑक्साइड में, सल्फाइड ओर का कन्वर्शन मेटल ऑक्साइड में हम करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे मेटल सल्फाइड और द मेटल कार्बोनेट आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू द मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. कौन से प्रोसेस से, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट का कन्वर्शन किस में करेंगे, मेटल ऑक्साइड. और कौन सी दो प्रोसेसेस यूज़ की जाती है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. तो बेसिकली रोस्टिंग जनरली सल्फाइड ओर का कन्वर्शन मेटल ऑक्साइड में करने के लिए की जाती है और कैल्सिनेशन जनरली कार्बोनेट ओर का कन्वर्शन मेटल ऑक्साइड में करने के लिए किया जाता है. तो वन बाय वन एक्चुअली रोस्टिंग मतलब क्या होता है, तो रोस्टिंग
इफ इन केस ऑफ द रोस्टिंग, जनरली रोस्टिंग में सल्फाइड ओर का कन्वर्शन मेटल ऑक्साइड में किया जाता है, ओके, और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर का कन्वर्शन मेटल ऑक्साइड में किया जाता है। तो किस तरह से ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होता है ये हम स्टडी करेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे लुक एट दिस, दिस इज द सल्फाइड ओर, ओके। सो लेट्स फोकस ऑन द रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन। तो इन केस ऑफ रोस्टिंग दैट ओर और द सल्फाइड ओर वी मे कॉल्ड एज अ सल्फाइड ओर इज हीटेड इन अ फर्नेस इन एक्सेस ऑफ एयर। सल्फाइड ओर जनरली फर्नेस में एक्सेस ऑफ एयर मतलब इनफ अमाउंट ऑफ एयर में क्या की जाती है, हीट की जाती है, एंड इट गेट कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड। उसका कन्वर्शन फिर किस में होता है, मेटल ऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टिंग। किसे बोलेंगे रोस्टिंग, कि रोस्टिंग के कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में का डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे सल्फाइड ओर का कन्वर्शन किस में होता है, मेटल ऑक्साइड में किया जाता है बाय हीटिंग इन अ फर्नेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इनफ अमाउंट ऑफ द एयर मतलब ज़्यादा एयर के सप्लाई के प्रेजेंस में हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं एंड देन इट गेट रिड्यूस टू द मेटल ऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रोस्टिंग, ओके। अब कैल्सिनेशन के बारे में, जैसे कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्शन करना, जिंक अकर्स इन द फॉर्म ऑफ जिंक सल्फाइड इन इट्स ओर। जो जिंक मेटल है वो जनरली उसके जिंक सल्फाइड ओर के फॉर्म में अकर्स होता है, उसका नाम है जिंक ब्लेंड, राइट, ZnS जिंक ब्लेंड। उस जिंक जिस ओर में अकर्स होता है वो सल्फाइड फॉर्म के ओर में अकर्स होता है, उसका उस ओर का नाम है बेटा जिंक ब्लेंड, और जिंक ब्लेंड यानी ZnS, राइट, जिंक सल्फाइड। तो इसका रिडक्शन हम देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनफ अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। सो लुक एट द रिएक्शन व्हेन यू आर गोइंग टू हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ample amount of the air or enough amount of the air or excess of air, roasting, उस process को हम बोलते हैं roasting। तो reaction आप देख लो, zinc blend means zinc sulfide जो कि किसकी ओर है, zinc की ओर है, excess of oxygen मतलब air के presence में react करते, then it form the ZnO, zinc oxide, metal oxide form होता है, साथ में sulfur dioxide gas भी वहाँ पर release होती है, ओके। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम अमाउंट में एयर का यूज़ किया है फॉर द हीटिंग पर्पस, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। अब आते हैं हम कैल्सिनेशन पे। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कार्बोनेट ओर का कन्वर्शन मेटल ऑक्साइड में होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि रोस्टिंग में सल्फाइड ओर का कन्वर्शन इसमें मेटल ऑक्साइड में, बट कंडीशन क्या है कि वहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर हमने यूज़ करना है, और इस केस में कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट ओर का कन्वर्शन मेटल ऑक्साइड में किया जाता है बाय हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे एयर का जो सप्लाई वो कैसे रहता है, लिमिटेड रहता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। तो जनरली कैल्सिनेशन है कार्बोनेट ओर के, जैसे कि जिंक कार्बोनेट का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्शन कैल्सिनेशन प्रोसेस द्वारा किया जाता है। तो लेट्स प्रोसेड, दिस इज द कार्बोनेट ओर, वी मे से दैट ZnCO3 A limited supply of the air is there, right? Zinc also occurs in the zinc carbonate in its ore called as the calamine. और zinc carbonate का मतलब zinc generally carbonate ore के form में भी occurs होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, calamine बोलते हैं। उस ore का नाम क्या है student, calamine। और zinc sulfide ore का नाम क्या बताया था, zinc blend। ध्यान में रखो, carbonate form में zinc जिस ओर में रहता है उसको कैलामिन बोलते हैं, और सल्फाइड फॉर्म में ZnS जिसको हम जिंक ब्लेंड कहते हैं। तो ये जिंक कार्बोनेट ओर का कन्वर्शन जनरली कैल्सिनेशन प्रोसेस से होता है, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो लेट सी, दिस इज द कैलामिन ओर वी टेकन हियर एंड देन वी हीट इट। सो व्हाट विल हैपन, इट गेट रिड्यूस टू द जिंक ऑक्साइड एंड अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने रिएक्शन देखिए कि जिंक ऑक्साइड में उसका कन्वर्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। अब दोनों प्रोसेस में, इन रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन, हमें क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। हम मैंने पहले ही आपको बताया है कि जनरली जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है उनका एक्सट्रैक्शन जनरली दे आर फाउंड इन अ सल्फाइड और कार्बोनेट ओर, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट ओर में से हम डायरेक्टली उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते,
it is too difficult as compared to they extract from the oxide or their oxide. इसलिए सबसे पहले by the process of roasting and calcination हमने उनको किस में convert किया, metal oxide में. तो whatever the metal oxide we obtained from roasting and the calcination, जो भी metal oxide हमें roasting या calcination process से मिले हैं उनका आप क्या किया जाता है, look at this, they get reduced. उनका क्या किया जाता है स्टूडेंट, रिड्यूस किया जाता है एंड वी गेट द जिंक, जैसे कि आपने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देखी है. और ये यहाँ पे कार्बन जनरली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करके कौन यूज़ किया, किसको यूज़ किया हमने, कार्बन को. तो जनरली कार्बन जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किया और क्या मिला आपको, जिंक मिला. तो इस तरह से जिंक का एक्सट्रैक्शन हुआ. अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जनरली यहाँ पे हमने कार्बन यूज़ किया, लेकिन कार्बन के अलावा भी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम इन मेटल को भी हम जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करके हम यूज़ कर सकते हैं, सो एज टू गेट द व्हाट, एक्सट्रैक्ट द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. उसके ऑक्साइड में से, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कार्बन के अलावा ये हाईली रिएक्टिव मेटल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम. ओके, सो दे आर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, इंस्टेड ऑफ कार्बन हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सो दे डेफिनेटली रिप्लेस द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल. वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को वो रिप्लेस करेंगे एज दे आर प्लेस इन द अपरमोस्ट पोजिशन ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. एल्यूमिनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब एल्यूमिनियम जनरली ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट होता है, जैसे कि मैंगनीज डाईऑक्साइड जनरली इसका रिडक्शन जनरली एल्यूमिनियम कर एल्यूमिनियम के द्वारा किया जाता है. तो लेट फॉर फर्दर प्रोसेस द रिएक्शन. तो हेयर इन दिस केस वट यू नोटिस, मैंगनीज डाईऑक्साइड it gets reduced right by the aluminium generally. kisme reduce hua hai ho, manganese mein right, kisme reduce hua hai manganese mein, matlab aluminium ka kya ho gaya yahan pe, oxidation ho gaya. aluminium is oxidized and manganese is reduced to, sorry, manganese dioxide is reduced to manganese. to is tarah se manganese yahan pe, matlab ye manganese dioxide mein se kya mila, manganese metal mila. और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करके किसने रोल प्ले किया यहाँ पे, एल्यूमिनियम ने. ओके, तो इस रिएक्शन में जनरली क्या हुआ कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ और मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट करके यहाँ पे एल्यूमिनियम एक्ट हुआ है. और यहाँ पे हीट बाहर निकलती है तो डेफिनेटली कौन सी रिएक्शन होगी, विस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में ये पढ़ा है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी. हीट दिख रही है इसका मतलब दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, मैंगनीज मिला है तो एल्यूमिनियम भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज हीट इज़ गिवन आउट. एंड जो मैंगनीज आपको यहाँ पे मिला है वो मोल्टन स्टेट में मिला है, मैंगनीज भी ऑफ्टेन इन द मोल्टन स्टेट. देन इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आल्सो, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच मैंगनीज इज डिस्प्लेस बाय द एल्यूमिनियम. अब इस एक्सोथर्मिक तो रिएक्शन है ही क्योंकि हीट इज़ गिवन आउट. ओके, और हीट इज़ इवॉल्व. लेकिन ये पर्टिकुलर रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि ये एल्यूमिनियम विच इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसेस द मैंगनीज. एल्यूमिनियम ने किसको डिस्प्लेस किया, मैंगनीज फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स. ओके, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसलिए हम इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं. अंडरस्टैंड? ओके, सो मैंगनीज डाईऑक्साइड. Now another such type of reaction using aluminium as a reducing agent is a thermite reaction or thermite reaction. मतलब जहाँ पे aluminium as a reducing agent करके act होता है, कोई दूसरी एक और भी reaction है जिसका नाम है thermite reaction. Let's see the reaction, thermite reaction क्या होती है, कैसी होती है. तो thermite reaction में generally iron oxide का reduction किया जाता है to the iron, right? In molten state. Particular corresponding chemical equation आप देख सकते हो, iron oxides. राइट, ओके, तो इस केस में आप ये आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन एल्यूमिनियम द्वारा किया गया है, इट रिड्यूस टू आयरन, आयरन ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस टू आयरन एंड व्हाट विल फॉर्म, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम मिलता है, हीट इज गिवन आउट. तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ओके, यहाँ पे भी जनरली
थर्मिट वेल्डिंग फॉर जॉइनिंग द ब्रोकन पीसेस, रेलवे ट्रैक को जॉइनिंग करने के लिए ये प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जो भी रेल्स है ना, इस तरह से दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज और दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज यूज टू जॉइन द रेलवे रूल्स राइट एज यू सीन इन द प्रोसेस फर्स्ट सील फ्रॉम द थर्मिट रिएक्शन. सो दिस इज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द व्हाट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. तो ये बेटा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन हुआ, जिसमें हमने मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स क्या किए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल्स. तो जनरली स्टूडेंट, हमने अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है हमने देखा है. तो बेसिकली दो मेथड्स जनरली एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है, वहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जिसमें उस सल्फाइड या कार्बोनेट ओर का कन्वर्शन किस में किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में किया जाता है. देन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स आर एक्ट दे वी ऑब्टेन द पर्टिकुलर मेटल्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल. सो इफ यू सी द रिएक्टिविटी सीरीज, जो बॉटम में मेटल जनरली प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लेस रिएक्टिव मेटल बोलेंगे, जैसे कि कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना. ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रहने वाले जो मेटल्स है, दे आर द लेस रिएक्टिव मेटल, और वी कैन से दैट लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. अब जनरली इफ यू सी, तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, जनरली दे मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट. मैक्सिमम मेटल जनरली फ्री स्टेट में क्या होती है, ऑफ्टेंड होते हैं. ओनली जैसे कॉपर, ये ऐसा मेटल है कि वो फ्री स्टेट के अलावा कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, फाउंड होता है. तो इसका एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, वो हम इस प्रोसेस में स्टडी करेंगे. ओके, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स दे आर फ्रॉम कॉपर, सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, राइट. दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स, इनका एक्सट्रैक्शन हमें देखना है. तो ये मेटल भी जनरली उनके ऑक्साइड या सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. द मेटल्स मीन्स जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, दे आर प्रेजेंट इन देयर ऑक्साइड और सल्फाइड ओर, मतलब ऑक्साइड या सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और सिंपली इनका एक्सट्रैक्शन हीटिंग करके किया जाता है. जस्ट उनको हीट करो और हीट करने के बाद उसमें से मेटल को क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो. बाय हीटिंग द ऑक्साइड्स और सल्फाइड ओर, बाय हीटिंग दिस ऑक्साइड्स और सल्फाइड ओर, वी गेट दिस पर्टिकुलर मेटल और वी एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर लेस रिएक्टिव मेटल. सो लेट्स सी हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ सच मेटल्स आर टेक्स प्लेस. सो कॉपर इज फाउंड इन अ कॉपर सल्फाइड इन इट्स ओर कॉपर ग्लास. जैसे कि मैंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द मेटल ये फ्री स्टेट में ऑकर्स होते हैं, राइट. जैसे कॉपर के बारे में कि कॉपर जनरली ये कॉपर सल्फाइड, मतलब उसके सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो उस ओर का नाम है कॉपर ग्लास. ध्यान रखो, कॉपर जनरली उसके सल्फाइड फॉर्म के ओर में प्रेजेंट रहता है और उस ओर का नाम है कॉपर ग्लास. तो इसमें से इसको हीट करके क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो दिस इज द कॉपर सल्फाइड वी टेक हियर इन अ फर्नेस एंड वी हीट इन प्रेजेंस ऑफ द एयर और ऑक्सीजन. ओके, सो व्हाट यू गेट आफ्टर हीटिंग कॉपर सल्फाइड का हीट करके, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वी गेट कन्वर्ट इन टू द कॉपर ऑक्साइड. उसका कन्वर्शन किस में हो गया, कॉपर ऑक्साइड, मतलब सल्फाइड ओर का कन्वर्शन किस में हो गया, मेटल ऑक्साइड में. ओके, कॉपर सल्फाइड का ओर कन्वर्शन कॉपर ऑक्साइड में अलॉन्ग विद द सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाय हीटिंग इट इन अ फर्नेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके, नाउ सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप. जैसे ही हमने, सबसे पहले तो हम हीटिंग कैसे करेंगे कि एयर के सप्लाई के साथ में हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे. जैसे हमने कॉपर का एक्सट्रैक्शन हमें स्टडी करना है फ्रॉम इट सल्फाइड ओर, जिसको हमने कॉपर ग्लांस बोला, वो कॉपर ग्लांस या कॉपर सल्फाइड फर्नेस में लिया, फिर यहाँ से एयर के प्रेजेंस में उसको सबसे पहले हीट किया. जब हम हीट करते हैं तो वी गेट द कॉपर ऑक्साइड, हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड. नाउ आफ्टर गेटिंग द कॉपर ऑक्साइड, इफ द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप, तो हमें एयर का सप्लाई क्या करना है, स्टॉप करना है. जैसे ही हम एयर का सप्लाई स्टॉप करते हैं, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, इट अगेन रिएक्ट विद द कॉपर सल्फाइड, मतलब फर्नेस में जो भी कॉपर सल्फाइड है उसके साथ ये कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, रिएक्ट होता है और क्या मिलता है, हमें कॉपर मिलता है ना, इस तरह से अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो इस तरह से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है बाय सिंपल हीटिंग प्रोसेस, है ना. सवा सिंपली उसको हीट करके हम कॉपर ऑक्साइड क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं.
सिमिलरली मर्क्यूरी सल्फाइड जो कि मर्क्यूरी का ओर है सिन्नाबार, सिन्नाबार में से भी हम मर्क्यूरी इसी प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, सिन्नाबार इज अ ओर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। इसको भी हमने एयर के साथ क्या करना है, हीट करना है, ओके okay? तो वी विल गेट द मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इफ़ यू हीट द सिन्नाबार और मर्क्यूरी ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, सो वी गेट द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। एंड देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर आप हीट करते हो तो इट गेट रिड्यूस टू मर्क्यूरी, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, मर्क्यूरी में। इस तरह से सिन्नाबार में से हम सिंपली हीट करके और उसका रिडक्शन करके मर्क्यूरी ऑब्टेंड होता है सिन्नाबार, फ्रॉम द सिन्नाबार ओर वी ऑब्टेंड द मर्क्यूरी, एंड फ्रॉम द कॉपर ग्लास वी ऑब्टेंड द व्हाट, कॉपर। तो ये जनरली मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन हीटिंग से ही किया जाता है, फर्दर हीटिंग से ही जनरली मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कन्वर्शन मर्क्यूरी सल्फाइड का कन्वर्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड में होता है, और फर्दर हीटिंग करते समय मर्क्यूरिक ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू द मर्क्यूरी। तो इस तरह से ये लेस रिएक्टिव मेटल का भी एक्सट्रैक्शन हम इसमें कर सकते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस, बाय हीटिंग इन अ फर्नेस। सो मेटल ऑब्टेंड आफ्टर रिडक्शन प्रोसेस में कंटेन द इम्प्यूरिटीज, सो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड द रिफाइनिंग। अब जो इस प्रोसेस में जो भी मेटल हमें ऑब्टेंड हुए है उसमें जनरली इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहती है, तो ये इम्प्यूरिटीज़ प्यूरीफाई, ये तो इम्प्यूरिटीज़ उस मेटल में प्रेजेंट रहती है, तो ये इम्प्यूरिटीज़ प्यूरीफाई करना बहुत ही इसेंशियल है। तो उनको प्योर करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रिफाइनिंग, है ना। जो भी मेटल, वट एवर द मेटल वी एक्सट्रैक्ट बाय ऑल दीज प्रोसेसेस, दैट मेटल्स आर नॉट अ प्योर मेटल्स, ओके। तो वो जो प्योर मेटल्स नहीं, दे कंटेन सर्टन इम्प्यूरिटीज़ और सर्टन गैंग्स, सो एज टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज़ द प्रोसेस वी यूज़ टू इम्प्योर द मेटल दैट इज द रिफाइनिंग। तो वॉट एग्जैक्टली, हाउ द रिफाइनिंग हैज़ बीन टेक्स प्लेस। तो स्टूडेंट जनरली रिफाइनिंग ऑफ द मेटल हम स्टडी करेंगे, तो रिफाइनिंग जनरली जो मोस्ट मेटल जो है रिफाइनिंग, मोस्ट ऑफ द मेटल का जो प्योर मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिफाइन करने के लिए हम जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम मेटल का रिफाइनिंग करते हैं। जैसे कि इस तरह से सेटअप किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये आपको पता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम जनरली ऐसे मेटल का को रिफाइन कर सकते हैं। तो इस केस में जो इम्प्योर मेटल है उसको एज अ एनोड करके मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड करके ऐसे एक्ट किया जाता है, और जो प्योर मेटल है एज अ कैथोड करके उसको लिया जाता है, प्योर मेटल स्मॉल उसका स्ट्रिप या ये लिया जाता है, और जो इम्प्योर मेटल है उसका भी एक रॉड जनरली इस तरह से एनोड करके इलेक्ट्रोड करके लिया जाता है, और कैथोड इलेक्ट्रोड करके प्योर मेटल लिया जाता है। और यहाँ पे एक साल्ट सॉल्यूशन जिसमें ये इम्प्योर मेटल क्या होता है जनरली साल्ट सॉल्यूशन विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व होता है ऐसे साल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिया जाता है। इस तरह से करंट सेटअप किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास किया जाता है, एंड द इलेक्ट्रोलिसिस हैज बीन टेक्स प्लेस। सो लेट सी द प्रोसेस व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इम्प्योर मेटल एज अ एनोड करके लिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया प्योर मेटल एज अ कैथोड करके लिया जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड करके। उसके बाद ये वाटर सोलबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड, है ना, वो मेटल का वाटर सोलबल सॉल्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट करके लिया जाता है। जिस मेटल को आपको रिफाइन करना है उसका वाटर सोलबल सॉल्ट जनरली यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट करके लिया जाता है। देन यू पास द इलेक्ट्रिक करंट, फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो ये जो मेटल है वो क्या होता है, जनरली मेटल जो एज अ एनोड करके जो आपने इम्प्योर मेटल यहाँ पे लिया है एज अ एनोड करके, तो वो क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है या उसका जनरली वो डिजॉल्व होना शुरू होता है इन ए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या होता है, डिजॉल्व होना शुरू होता है। तो वन बाय वन जैसी ही प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व होता है, एंड दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्योर मेटल। और डिजॉल्व होने के बाद ये मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व होने के बाद कहाँ पे डिपॉजिट होता है, प्योर मेटल पे डिपॉजिट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है ये जो इम्प्योर मेटल आपने लिया वो जनरली इस इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व होना शुरू होता है, और डिजॉल्व होने के बाद ये जनरली ये प्योर मेटल पे जाके डिपॉजिट होता है, ओके। और जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती है उसमें जो सोलुबल इम्प्योरिटीज़ रहती है, अब इम्प्योरिटीज़ भी होंगी ना इसमें, इसलिए तो हम इसका
रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो इम्प्यूरिटीज जो वाटर सोलबल इम्प्यूरिटीज है वो इस इलेक्ट्रोलाइट में सोलबल होती है, और जो इनसोलबल इम्प्यूरिटीज है दे आर सेटल एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वो जनरली इलेक्ट्रोलाइट के बॉटम में सेटल होती है। तो इस तरह से इम्प्योर मेटल का इनसोलबल इम्प्यूरिटीज नीचे आ जाती है, सोलबल इम्प्यूरिटीज जनरली उसमें सोलबल होती है। तो इस तरह से बेटा इम्प्योर मेटल का प्योर मतलब प्योर मेटल में हम क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं और वी गेट द प्योर मेटल। तो यहाँ पे आपको ये प्योर मेटल मतलब इम्प्योर मेटल का कन्वर्शन हमने प्योर मेटल में देखा है, इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग प्रोसेस से हम जो इम्प्योर मेटल्स है विच कंटेनिंग द इम्प्योरिटीज उनको क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज मीन बाय करोजन ऑफ मेटल, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। मतलब करोजन, मेटल का करोजन भी होता है, तो ये करोजन एक्चुअली क्या होता है, हाँ करोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या क्या प्रोसेसेस करनी है, तो ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हमने जनरली इससे मतलब जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन स्टडी किया है, उसके बाद जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन स्टडी किया है, आफ्टर दैट इस जब ये मेटल जब हमने इनको एक्सट्रैक्ट किया तो दे कंटेन सर्टन इम्प्यूरिटीज़, तो वो इम्प्यूरिटीज़ रिमूव करने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम कैसे उनको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे रिफाइनिंग प्रोसेस भी हमने स्टडी की है। तो आज के क्लास में हमने ये सभी चीज़ें स्टडी की है, नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो टॉपिक है वो हम करोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे, करोजन कैसे होता है, किस तरह से होता है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, दैट वी लर्न इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।